लून दोना बेच बेच ने बसा पाले अब आप जी शादी तो भागुड़ी पड़ी मारी। अच्छा उसकी वजह से अब बुढ़े पे दौरा पे बुढ़े पे मेरे कोई सासु खान कोई ससुरा मान बाप आ तो कोई गु खाने पास आवे जड़ा मैं तो खावने दूंगा तुमने लोटो ही कूदियो। अच्छा। मैं तुम्हारी हिम्मत तो बसा पाले बेच बेच ने मैं तो खावने दूंगा तुमने लोटो ही कूदियो। अच्छा। मैं तुम्हारी हिम्मत तो बसा पाले बेच बेच ने लून बेच बेच ने बसा पाले तो हमें वे बचा तो ब्याया बदिया ना अपनी औलाद भी की न्यारा भी क्या बिल्कुल देखो हमें रोटी कौन देवे बताओ बिल्कुल और तो क्या सही हो रही है ना कोई दाड़ी जाने मजदूर जाने मजदूर को ये दो लड़कियों है बच्चा तो बाप रहा आप रहे बच्चा नहीं खा पाली हां आप रहे को पड़े नहीं मजदूरी वे तो भरे 6 महीना भी घर बैठा। अच्छा तो कोई खवाड़ी हां मजदूरी नहीं को बात नहीं और शरीर में भारी फैसल माते कोई होता लगे मैं तो अरे बीमारी रे मारे 5000 रुपया तो लाग जा लागे 200-300 रुपया रे निशा छीन लो मीनू कौन ले बताओ बहुत दुखी हो तो दुखी है बिल्कुल बहुत दुखी है मारी औलाद दुखी तो मैं माइत कदे सोगी आज 6 महीना ब्याह है 4-5 तो बेटा है सोरा पंडीजे है 3-4 लड़की है तो हमें वो 6 महीना ब्याह घरे बैठो दियाली हूँ घर पर बैठो कुछ 5 रुपया मंजूरी नहीं। हाँ बिल्कुल है लागत है डबल डबल है हमें खावने तोल रही तेरे मोंदा मोंगे खावने तो अपने पेट में सही जे बिल्कुल बोलो पहला बैठा रहो बोलो बिल्कुल 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 जब मैं कोई देने टाबर पालो थी को मोनी बिल्कुल हाँ कौन सुनाई करे मोरी कोई सुने को करे कोई को करे वो सरपंच कह नहीं जीती जे तेरे गई तोरे मुंह यो कर देऊं जीती बस मोरे संभाले कोनी कौन को नहीं कोई मोने नहीं पूछ सके भाई थे भूखा हो तरह बैठा हूँ मैं आपका शुभ नाम क्या बताया बाबूराम जी तो बाबूराम जी मतलब ये बताइए कि भाट आप भाट हो भाट बंजारा मतलब भाट और बंजारा दो नाम कैसे मतलब समझाने ओ बंजारा पहला वो जो राजपूत राठौड़ी राजा जैसे बंजारो लाकी बंजारो बंजारो बाजियो। अच्छा पचे वो मेला मूला में बलद भेजता पचे गद्दा माते लून मेट जो भेजता करता कौन हो के बालदिया भाट हो बालदिया भाट बाजिया अब मजूरी करने ला गया बलद मेला थेला तो था गया भोपार भोकर था जी अब वे था गया जना मजूरी करा जे कौन बुझे जो भाट बात। अच्छा तो एक बात बताइए कि जैसे आपके यहाँ पर कितने बोट हैं यहाँ पर बोट तो घने 1700 बोट है तो आप पिछले 35 सालों से यहाँ रह रहे हैं तो 35 सालों में आपके वोट भी लग रहे हैं यहाँ बैठे हो तो सभी मतलब ये झुग्गियों में ही रहते हैं अभी कच्चे पक्के मकान मतलब नॉर्मली ऐसे रहते हैं शौचालय की व्यवस्था मतलब ये पीछे रहने का क्या कारण है पीछे रहने का यही है साहब कोई हमारे में तो कोई पीड़ा लगा है नहीं हाँ कोई राज रोग इतनी जानता नहीं है यहाँ के लोग हो जाते पड़ी लेके खड़े ले जाते आपका घर कर लेते हैं और हमारा सुन आते घर जो होते जब तो आते आपका वोट हमारे को दो आपके वो कराएंगे वो कराएंगे। अच्छा तो आपकी उम्र कितनी होगी हमारी लग 50 साल है 50 साल होगी तो आपके बच्चे कितने हैं बच्चे तो मेरे 4 लड़का है 3 लड़की तीन लड़कियाँ सात बहन तो सभी शादीशुदा है वो तो ना दो तीन कुंवारा है। अच्छा तो बाकी काम तो यही अब मजदूरी का ही काम रहा है और तो अच्छा तो इतनी पुरानी जातियाँ हैं तो 35 सालों में मतलब कोई अलॉटमेंट में से खेती का मरबा कोई नाम है वगैरह अब कोई हाँ के रे ना कोई 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 आया तो हमारी भराया देख फार्म भराते हैं जाते हैं कोई आती रोज ना तो आजा मिल जाती है तो वो भराते पाचा कोई कोई कौन बता कोई होता तो बढ़िया लेके आवे तो उसने बताई बड़े के भाई आ सोचना है
अनपढ़ ने कौन बतावी, अनपढ़ ने कोई नहीं बताता है माने। तो दोस्तों एक देख सकते हैं आप, दादी जी का जो गुस्सा है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र निकाली है और ये इनका परिवार है और इनका ये कहना है कि इतने सालों से हैं और व्यवस्था है जो जीरो है। तो अब आप ये बताइए कि मतलब अब समय जो है ना वो समय बहुत खराब है। अब समय तो है, महंगाई आपको पता है किस प्रकार से, 400 रुपए दाढ़ी करने वाले के दिए कोई मतलब ही नहीं देता ही नहीं, नहीं देता। हाँ, अब सरकारी दाढ़ी तो निकल रही है। अब जान ने पूछा भाई किसी को काम पे लगाओगे तो भाई, तो अब आपका मतलब मैं पूछूंगी मुख्य काम तो यही है मजदूरी का ही है, मजदूरी का कुछ क्या नहीं, कुछ जमीन अब ये बैठे हम बैठे तो ये भी सरकारी जमीन है, कोई हमारे खरीदी हुई नहीं है। ऐसे ऐसे मजदूरी करते करते आप लोग कोई आप जैसे पढ़े लगे बोला यहाँ बैठ जाओ सरकारी जमीन, अच्छा हम बैठ गए तो वो बैठे खरीद के नहीं बना सकी भाई हमारी। अच्छा वो पटावन तो अब जैसे आपके यहाँ वोट लग रहे हैं, जैसे वोट लगते हैं तो सरपंच साहब आते हैं, सरपंच वो एक सरपंच अभी 5 साल में थोड़ी लाइट लुइट करी व्यवस्था, बाकी आज 20 साल में कोई सरपंच आ रही शौचालय की व्यवस्था तो यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रही शौचालय कोई नहीं, वो 4-5 साल में एक नरेगा इंदिरा आवास वाला 2-4-10 मकान आया है, बाकी आज पावर फरार लाइट दिए। अच्छा मतलब अगर यही है कि फार्म भरे जाए और थोड़ा अगर समझदार है उसका थोड़ा थोड़ा हो जाता है, बाकी हाँ बस वो आ जाए। नमस्कार नमस्कार, बैठिए दादाजी बैठिए। क्या नाम है आपका? जोगाराम जी भाट है ना, भाट। कितने सालों से रह रहे हो दादाजी आप? अरे घने हुआ था 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए है ना। तो दादाजी पहले तो एक चीज पूछूंगा, मतलब भाट और भाट बंजारा मतलब ये अलग अलग है या ये जो आपकी जाति है? जाति एक ही है। हाँ एक ही है, मन को है कि जो देश है नी जो बने जो बने, कोई बंजारा कहे कोई पोट वाला कहे, पोट वाला कहे आगे जाओ तो राव जी कहे, अटे भाटिया कहे। अच्छा अपने पाली जिला में है नी। हाँ तो भाट बंजारा। अच्छा कौन वाली बंजारा ही है? हाँ जैसे बोली है नी रहवास हूँ ऐसी भावना जैसे भाट बना के। अच्छा ये बात है ना। तो आप मतलब यहाँ पर मूल रूप से 40-45 सालों से रह रहे हैं? 45 साल। अच्छा तो आप भी मतलब पहले जब जवान होते थे तो यही मजदूरी का काम करते थे या मेला मगरी करते थे? पहले गाय बढ़ता मजदूरी करता मजदूरी करने बैठो। अच्छा तो अभी मतलब जैसे आपके ये पूरा परिवार है ना? पूरा परिवार एक बाप का, एक बाप का ये पूरा परिवार है। तो मतलब 35-40 सालों में मतलब व्यवस्था तो अभी जीरो ही है मैं देख रहा हूँ यहाँ। हाँ जीरो ही है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ कोई कन्या ही नहीं है। अब आते हैं लोग बोलते हैं लड़के पढ़ाओ, लड़का वो लड़का खड़ा मेरा 12वीं तक पढ़ा हुआ है। अच्छा अब कोई और कोई ला रहे सुविधा, अब हमारे घर ने कोई है तो मैं उनको कहीं लगाऊँ कोई बैठने के लिए, कोई भाई जगह जमीन दे तो उसके बाद ही कोई पैसा वैसा लगा गया 12वीं तक तो। अच्छा आपने जैसे तैसे करके इसको 12वीं तक पढ़ाया है ना? तो दो लड़के पढ़ाया हूँ अभी वो है क्या जैसे हमारे। अच्छा तो ये बात है दादाजी हैं। तो आपका एक बार शुभ नाम बताइएगा। जोगाराम जी बताए इनका नाम है। तो जोगाराम जी भाट हैं। भाट। अच्छा तो यहाँ पर जोगाराम जी भाट भी कहते हैं, जोगाराम जी बंजारा भी कहते हैं, ऐसे है ना? बंजारा बोली बोले भाट ही बोली। अच्छा ओबीसी में आते हैं ना भाट? तो ओबीसी में, ओबीसी में आते हैं ना। तो कुल मिला के ये बात है। तो ये आपका जो पहनावा है ये आपका मतलब पारंपरिक पहनावा है? पारंपरिक है। पारंपरिक बड़े ना आता है। अच्छा पहले फरदा बाहर से भाटी असली रहती ठंडी रहती रात सब रहे तो। अच्छा बंजारा करो वो। अच्छा उदयपुर बंजारा के सारा ही बंजारा है। अच्छा हाँ एरिया भाट माने वहाँ। अच्छा तो ये जो गवारिया और ये अलग है? तो न्यारो है और भाटीगर न्यारो है। भाट बंजारो बंजारो लक्की बंजारो होनी वो अच्छा लक्की तो हाँ वो लाख बार द्राग तो वो लकी बंदर बाजी पर राठौड़ी राज में जतरे वो 19 समय हिजरे वो जतरे पहले कुछ नहीं था वो बाद में बार बंदा आओ तो सब सामान बाद में आओ तो हर मंडी में बाद वो लाख बार तो पूरा कर दो जटे खाली भरी गेट बैठो नहीं जैसे वो दनु के मंडी में सामान जो सामान मरते वही। तो आपके बाल बच्चे कितने हैं? चार है। चार है आपके ना।
तो पेंशन वगैरह तो चालू होगी आपकी? पेंशन चालू है मालूम। चालू है क्या? अच्छा, अगर दिन निकालो आप है? निकालो, बिल्कुल सही है। तो आप दादी जी, आप शुभ नाम कहाँ बतायो? जुम्मा देवी है। तो आप मतलब नहीं अठे इस पूरे ने जो को समुदाय ईर मायने थे अगड़ा बड़े रहो? बड़े रहो, मैं सब परिवार में मैं मोटा हूं। ऐसा आप ई परिवार में मोटा ही मोटा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दादी जी जो है अपना गुस्सा किस प्रकार से निकाल रही है, और ये इनका एक अपील है, गुहार है कि किस प्रकार से यहाँ पर इनका जो जीवन है कितना कठिन है। तो यहाँ पर एक एक मिनट निकालना एक चुनौतियों से कम नहीं है, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था जीरो है और धूल भरी आंधियाँ चलती है। जब यहाँ पर ये कच्चे मकान हैं, और अभी ये बोल रहे हैं कि पिछले 2-4 सालों से कोई 5-7 मकान जो है यहाँ पे आवास इंदिरा आवास से आए हैं, बाकी के तो लमसम माने तो 10-12% यहाँ पर हुआ है, बाकी 90% काम अभी बाकी है। तो दादी जी आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कुछ? कोई मकोमरी पानी री करो साहब, 500 रुपया टंकर ला लेवे, वही खारो पानी नोगे ता तो डोलिया में ना तो घर ला नोगे, वो 15 दिन को अरेन थे जणो में कोई करो, हमारी तो कोई सरकार भी तो करो, बसा पड़ी जन ने कोई स्कूल नहीं मारे, कोई टाबर में एड़ा एड़ा छोटा मोटा बसात गठी बैठो, एमे दूसरे गांव तो जा सके कोने, कोई एक दे दन कड़े पड़ने मिलो तो फादर घर पर बैठ जावे। दो मारा पोता है तो मैं 12वीं पास करी, तो मैं पैसा वेन फार्म भरा हूं, कौन बिल्कुल, फार्म बिल्कुल बिल्कुल थे बताओ। हां बिल्कुल, हम मन के मजदूरी तो आले कोनी, हमें दाढ़ी मजदूरी तो आले कोनी, मैं उन्हें फार्म ने तो अटे मुंडा मोंडे हाथ मांगे 10 मांगे बिल्कुल रुपया, मैं कटू हमारा फार्म भरा ते थोड़ा घर बैठा 12वीं पास भी होड़ा घर बैठा कहते मैं कोई करो थे को जो ही करो, सरकार सुनाई करते हुए मोर तो गणिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दादी जी की जो आवाज़ में वो दर्द है वो साफ आपको दिखाई दे रहे हैं कि 40 सालों से यहाँ पर बैठे हैं और व्यवस्था है बिल्कुल जीरो है। तो इस प्रकार से हमने ज़मीनी स्तर पर आपको ये पूरा लेवल ग्राउंड लेवल पर हमने आपको वीडियो के माध्यम से ये बताया। तो आप क्या कहना चाहेंगे और इन जातियों का संरक्षण कैसे किया जाए, इस वीडियो के द्वारा ये वीडियो आगे तक पहुँचाए, और कैसे इन जातियों का संरक्षण किया जाए, और इन जातियों का अगर संरक्षण समय के साथ नहीं हुआ तो इन जातियों का यहाँ पर जीना और यहाँ पर जीना आसान नहीं है। तो धीरे 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 अगर इस प्रकार से ये चलता गया तो ये जातियाँ ख़त्म होने की कगार में आएगी, और जब ये इस प्रकार से अगर इनका संरक्षण नहीं होगा तो धीरे 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 ये जो मामला है ये दिनों दिन गड़बड़ाता जाएगा। तो ये जो जातियाँ 35-40 सालों से बॉर्डर के पश्चिमी क्षेत्र में हैं, और यहाँ पर इनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आसपास में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, लेकिन ये जो जातियाँ ये दबी हुई हैं, जैसे तैसे करके शिक्षा का अभाव है उसकी वजह से अपना गुजारा कर लेते हैं। तो सब कोई पुराना काम नहीं है। हाँ। पुराना काम हो तो वो कोई खैर ही करता, यहाँ आते हैं सब कोई कहे कहे जिला का आयोडा कोई कहे अपना काम निकाल देते हैं और बाद में सुनाई नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, खड़ा होने की ट्रेन में तो आ जाते हैं। तो ये आपका घर है? हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाने पीने का सिस्टम है वो भी ये खुला है, देखिए तो यहाँ पर ये खुला है बिल्कुल। अब ये आंधी हो चाहे बारिश हो, खाना यही बनेगा खुले में। तो आप देख सकते हैं और धूल भरी आंधियां हैं जो चल रही है, और बहन जी देखिए कैसे बना रहे हैं खाना।